एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो नए क्रिमिनल लॉस आए हैं भारतीय न्याय संहिता का, जो नया सेक्शन है सेक्शन 69। नाम ही 69 है, एक पोजीशन भी होती है 69, ठीक है। तो 69 पोजीशन और 69 नंबर आपको जेल कैसे भेजेगा, डिटेल में बात करेंगे इस मामले पर, नए कानून पर कि ये कानून क्या कहता है और इसमें आपको सजा कितनी हो सकती है और महिलाओं को कितनी ज़्यादा छूट दे दी गई है, डिटेल में इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी लागू हो चुकी है, BNSS भी लागू हो चुकी है, BNS भी लागू हो चुकी है और भारतीय साक्षर अधिनियम भी लागू हो चुका है। तीनों नए कानून जो है 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं। सारे मुकदमे उन्हीं के हिसाब से चलेंगे जो अब 1 जुलाई से रजिस्टर हो रहे हैं, वो सारे के सारे मुकदमे उन्हीं के हिसाब से चलेंगे। अब एक सेक्शन गवर्नमेंट लेके आई है सेक्शन 69। ऑलरेडी सभी लड़के 376 से परेशान थे, उनकी पूरी जिंदगी, पूरा कैरियर चौपट होता चला जा रहा था 376 की वजह से, 376 के एलिगेशन की वजह से, कि कोई भी महिला 376 के एलिगेशन लगा के निकल जाती थी, कोई एविडेंस नहीं देना होता था, कुछ नहीं कहना होता था, सिर्फ एलिगेशन लगाना था, 164 में जाके लड़के के खिलाफ स्टेटमेंट दे देना था, लड़का गिरफ्तार होता था, जेल जाता था, सजा काटता था, उसका पूरा कैरियर चौपट हो जाता था। जिन लोगों को कभी कोर्ट कचहरी से पाला नहीं पड़ा है, जो कानून के बारे में जानते नहीं, वही नौटंकी बताएंगे कि ये कानून बहुत अच्छा है, अन्यथा ये कानून व्यर्थ है। ये जान लीजिए सेक्शन 69 जो गवर्नमेंट लेके आई है भारतीय न्याय संहिता का, इसका जो प्रोविज़न है वो बेसिकली महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए दिया गया, भोली भाली महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए दिया गया। लेकिन पहले भी चंट महिलाओं के द्वारा जो कनिंग थी, डिसिटफुल तरीके से लोगों को परेशान करती थी, जो बहुत ज़्यादा क्लेवर थी, उन लोगों ने इस कानून का इस्तेमाल करते हुए, पहले 376 के कानून का इस्तेमाल करते हुए, रेप के एलिगेशन को लगाते हुए बहुत सारे लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद करी और बढ़िया कमाई करी, बढ़िया मोटा पैसा कमाया। बहुत सारे स्कैम्स को हम लोगों ने उजागर किया। दीपिका नारायण भरद्वाज मैम ने बहुत सारी स्कैम्स को इस तरीके से अपने वीडियोस के माध्यम से, अपनी यू नो स्किल के माध्यम से, इन्होंने बहुत सारे लड़कियों को उजागर किया जिनके द्वारा लड़कों से रेप के फॉल्स केसेस लिखा के, मुकदमे लिखा के पैसे वसूले गए। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 69 जो आया है ये कैसे लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। और हर दीदी को आपको नमस्ते बोल के निकल जाना है, हर लड़की को नमस्ते बोल के निकल जाना है, जिसके साथ आना या तो शादी करना या तो किनारे हट जाना, मजबूरी ये है। अब कोई भी ऐरी गहरी महिला आपके सामने आएगी, वो कहेगी ऐसा हम तुमसे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, करो, तुम्हारे पास बहुत पैसा, या तो पैसा दो या तो शादी करो। आप कहोगे पैसा नहीं देंगे ना शादी करेंगे, हम क्यों करें, कानून है हमारा, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन तुम्हारे फंडामेंटल राइट का कोई मतलब नहीं, फंडामेंटल राइट सिर्फ उस महिला का है, तुम्हारा फंडामेंटल राइट नहीं, अदरवाइज सेक्शन 69 नहीं आता। क्योंकि हमेशा लड़कों के लिए कहा जाता है कि वो शादी का झांसा दे सकते हैं, क्या लड़कियां शादी का झांसा नहीं दे सकती? बहुत सारे उदाहरण ऐसे, ज्योति मौर्या का एग्जांपल आप ले सकते हैं और न जाने कितने को एग्जांपल ले सकते हैं जो अच्छे भले मर्दों की ज़िंदगी बर्बाद करके निकल चुकी हैं। शादी का झांसा महिलाएँ भी देती हैं और पुरुष भी देते हैं, लेकिन हमेशा लड़का गलत होगा। लड़के के लिए सजा का प्रावधान होगा, लड़के के लिए स्पेसिफिक सेक्शन होगा, लेकिन महिला के लिए नहीं होगा। स्पष्ट आप देख सकते हैं सेक्शन 69 में साफ साफ कहा गया है कि कोई भी महिला जिसको फॉल्स प्रॉमिस किया जाता है, छल किया जाता है, जिसके साथ वादा किया जाता है, नौकरी दिलाने के नाम पर, प्रमोशन दिलाने के नाम पर, शादी करने के नाम पर और प्रलोभन देके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को 10 साल की कैद होगी। अब 10 साल तक की कैद होगी और जुर्माना होगा। अब जुर्माना कितना होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगी। 10 साल तक की सजा हो सकती है, स्पष्ट है। अब ये आप यकीन मानिए, जिन लोगों की दुश्मनी चल रही होगी, जिन लोगों के प्रॉपर्टी के विवाद चल रहे होंगे, जिसका किसी से ईगो होगा, जिसको किसी को ठीक करना होगा, जिसको बदला लेना होगा, वो व्यक्ति इस सेक्शन का कैसे इस्तेमाल करेगा? अब पुलिस के लिए ज़्यादा इजी हो गया कि लड़कों को गिरफ्तार करके जेल भेजना, लड़की का सिर्फ कह देना कि इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, कहा कि हम तुम्हारा प्रमोशन करा देंगे। आप इतनी क्वालिफाइड हो, आप नौकरी कर रही हो, पढ़ी लिखी हो, आपको ये क्लियर नहीं पता है कि प्रमोशन काबिलियत पे होता है, शारीरिक संबंध बना के नहीं होता। अगर आप प्रमोशन के नाम पे संबंध बनाने गई हैं अपने बॉस से, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी कंसेंट अपने बॉस को दे रखी है, तभी आप उसके साथ फिजिकल
होने गई हैं कपड़े उतार के, इंटीमेसी आपने तभी उसके साथ करी है जब आपको ये था कि आपको कुछ इसमें लाभ हो जाएगा। अब प्रमोशन नहीं हुआ, आपकी कैपेबिलिटी नहीं अच्छी होने के कारण, तो आपने उसके ऊपर मुकदमा लिखा दिया। या मैं कह रहा हूं कि आप इस कानून का दुरुपयोग ऐसे हो सकता है कि जिस महिला को जल्दी प्रमोशन पाना होगा या अपने बॉस को फंसाना हो, वो कह देगी कि भैया ऐसा है हम तो रेप के एलिगेशन लगा देंगे सेक्शन 69 वाले, तुम जेल चले जाओगे, तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी। अब आप समझिए, इस कानून से अगर महिलाओं को आप बल दे रहे हैं और पुरुषों को दबा रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में लोग महिलाओं को नियुक्त नहीं करेंगे, नहीं रखेंगे, क्योंकि प्रमोशन की बात आपने कह दी कि प्रमोशन का झांसा देते हुए बलात्कार करने के एलिगेशन जिस व्यक्ति के ऊपर लग जाएंगे उसकी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी, तो कोई क्यों महिला को नियुक्त करेगा, नहीं करेगा। इस कानून के दुरुपयोग ये है। दूसरी चीज, जिसको दुश्मनी निकालनी है लिखा देगा। अब आप ये मान के चलिए कई सालों तक अगर लड़के लड़की के रिलेशन रहे, किसी रीजन की वजह से रिश्ता टूट गया, लड़के की नौकरी लग गई, लड़के ने लाइफ में अच्छा कर लिया, या लड़की को अचानक से लगा कि ऐसा है जिस बॉयफ्रेंड के साथ अब मैं करंट में रह रही हूँ वो किसी काम का नहीं, पुराना वाला ज़्यादा बेहतर था या कोई नया ज़्यादा बेहतर है, उसके ऊपर एलिगेशन लगा दिए कि शादी का झांसा करते हुए शारीरिक संबंध बनाए, 10 साल की कैद हो गई, लड़का गिरफ्तार हो गया, लड़की से कोई एविडेंस नहीं मांगे जाएंगे, कुछ नहीं होगा, लड़के को सारे सबूत देने हैं, लड़के को सब साबित करना है कि वो गलत नहीं, बर्डन ऑफ प्रूफ लड़के पे है, लड़की पे नहीं है, आपको साबित करना है कि आप गलत नहीं हो, आप सच बोल रहे हो, लड़की झूठ बोले, लड़की को नहीं साबित करना है कि वो सच बोल रही है, आपको प्रूफ करना है। तो सेक्शन 69 इस तरीके का, तो इसके डिसएडवांटेज क्या, लड़की को कोई नौकरी में नहीं रखेगा, दूसरी चीज लड़कियों से नमस्ते करके सबको दीदी बोल के निकल जाएंगे, और तीसरी चीज अब समझ लीजिए समाज में डिफरेंसेस भी इस कानून की वजह से बहुत ज़्यादा आएंगे, तो गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है कि क्या सेक्शन 69 की वाकई में ज़रूरत है कि नहीं। प्रीवियसली रेप और पॉक्सो का दुरुपयोग कितना ज़्यादा हो चुका है सब देख चुके हैं, उस कंडीशन में आप सब ने देखा है कितनी दुर्दशा कितने सारे लड़कों की हो रखी है, तो उम्मीद है ये लॉ समझ गए होंगे तो डर के रहेंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएंगे, महिलाओं से एकदम दूर रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।